हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं इंदौर टू मनाली, वो भी कार से। मतलब 1300 या 1400 किलोमीटर है वो, और मैं और मेरा दोस्त प्रिंस ड्राइव करने वाले हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार मनाली जा रही हूँ, वो भी कार से। इतना मतलब ट्रैवल करना मुझे बहुत ही पसंद है, और वो भी कार से तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ड्राइव करना भी मुझे बहुत ही पसंद है, पर एक लिमिट तक। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं ड्राइव करती हूँ, जितनी मैं चला पाऊँगी मैं चलाऊँगी। उसके बाद प्रिंस को कार दे दूँगी कि भैया तुम चलाओ। जमा दिया सब, जमा दिया। चिप्स का पैकेट तो रखा ही नहीं आपने, और चिप्स का पैकेट। चिप्स लेके आता हूँ। तो ये है कैमरा, और ये मेरे कपड़े उपड़े, ट्रॉली बैग, और ये है स्वेटर, और ये है खाने का सामान है थोड़ा बहुत, और ये है एलसी। चिप्स आ चुकी है, चिप्स। तो सौरभ भैया आ गए हैं, उनका बैग आ गया है, मेरा बैग आ गया है, अब बचे हैं प्रिंस और आयुषी। और उनके बैग भी आ जाएंगे। आ जाएंगे, क्या लगता है आपको? हाँ आ जाएंगे, आयुषी के नहीं आएंगे, इसका आ जाएंगे। तो गाइस, पायल ने मुझे मास्क दिया है, ठंड के लिए बहुत अच्छा है वो। और ये क्या पायल, ये क्या है पिंक सा? ये तो खाना है, ये मेरी फेवरेट बॉकेट है। इसमें कोई कीड़ो तो नहीं है? नहीं, कीड़ो नहीं है इसमें, इसमें खाना रखा है। खाना खाएंगे ना रास्ते में। अच्छा, ओके, इसमें खाना रखा है। और पायल कहीं के लिए निकल गई है। पायल कहाँ जा रही है? पायल तुमने बताया नहीं अभी। मनाली, मनाली। हाँ मनाली जा रहे हैं, और मैं 4 घंटे से तैयार होके बैठी हूँ। 4 घंटे से कार ही जमा रहे, कार और बैग ही जमा रहे हम। तो पायल जो है वो 4 घंटे से बैग जमा रही है। और पायल का कुछ ऐसा प्लान था कि फ्लाइट से जाएंगे, फ्लाइट से आएंगे। तो मैंने बोला है बाबा, अगर पहाड़ी इलाके में अगर अपन जाते हैं तो क्या है, फ्लाइट से तो हमेशा ही अपन जा ही रहे ना सब दूर, अपनी कार लेके जाओ यार। तो पायल, पहली बार इतने लंबे रूट पे अपन कार से जा रहे, कैसा लग रहा है? बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, और मेरे को तो बहुत ही डर भी लग रहा है। तो पायल अभी देख ले, ये कार यहाँ खड़ी है और फ्लाइट ऊपर से जा रही है, कहाँ जाना अभी देख ले। अभी उसको रोक लो, उसमें कार रख लेते। तो गाइस, हम लोग सुबह 7 बजे निकलने वाले थे, और अब 2 बज चुके हैं, तो 2 बजे हम लोग निकल रहे हैं। तो ये पूरा इतना ही सामान है बस, इतना सामान, ज्यादा सामान। कहाँ जा रही हो तुम? सौरभ को लाओ। हरिओम, कहाँ जा रही हो तुम? हरिओम, फोन आ रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी हम कहीं नहीं पहुंचे, अभी हम इंदौर में ही हैं। अभी हम सिग्नल में अटक गए हैं, और अभी हम राइट लेंगे तो हम उज्जैन पहुंच जाएंगे 60 किलोमीटर बाद। गाड़ी में चला रही है, आप देख सकते हैं। और प्रिंस की अभी नींद पूरी नहीं हुई है, तो प्रिंस अभी सोएगा। सो गया क्या? तो अभी प्रिंस सोएगा, फिर उसके बाद प्रिंस गाड़ी चलाएगा, फिर मैं चलाऊंगी, फिर प्रिंस चलाएगा, फिर मैं चलाऊंगी, ऐसे ही। तो फाइनली गाइस, हम लोग उज्जैन पहुंच गए हैं। अब हम उज्जैन से यहाँ से राइट लेंगे ना, यहाँ से राइट लेंगे। तो निकाल, अब इधर से हम राजस्थान जाएंगे, जयपुर जाएंगे, फिर उसका बहुत सारे आएंगे शहर, फिर हम दिल्ली पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। हम लोग जब इंदौर से निकले थे तब था 815 किलोमीटर था, और अब हो गया है 763 किलोमीटर। इतनी गाड़ी मैंने चला ली है, अब देखते हैं और कितनी मैं चला पाऊंगी। ओ हो, कितना प्यारा नजारा है। अब आ गए हैं कम से कम 150 किलोमीटर, और 150 किलोमीटर मैंने अकेले में गाड़ी चलाई है, और 2 मिनट का ब्रेक लिया है क्योंकि हमारे साथ जो लड़के हैं उनको सुसु आ गई थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए। तो मैं थोड़ा खड़े हो जाती हूँ, थोड़ी देर खड़े हो जाती हूँ, मेरी थोड़ा खर्च लगेगा मुझे भी, तो गाइस इसने पैर ऐसे दरवाजे पे रख लगा था, प्रिंस ने जोर से दरवाजा लगा दिया, तो इसको लग गई, चालू नहीं हुई, लगा पट्टी कर दी इनने।
चिप्स नहीं खाते मुझे इन सब में। मैं दिल्ली है 640 किलोमीटर और यहाँ से कोटा है 150 किलोमीटर और अभी हो रही है शाम 5:30 बज चुकी है और प्रिंस की भी नींद पूरी हो गई है आप देख सकते हैं। तो प्रिंस अब मैं थोड़े दूर और चला लेती हूँ फिर प्रिंस को दे दूंगी गाड़ी। प्रिंस भैया रेडी हो ना तुम? हाँ बिल्कुल। अब आ चुका है हाईवे, अभी हम सिंगल रोड पर चल रहे थे इतनी देर से, कम से कम 150-180 किलोमीटर सिंगल रोड पर चला ना अभी अपन। अब आ गया है मेन हाईवे, वक्त आ चुका है स्पोर्ट्स ड्राइव मोड एक्टिवेटेड करने का। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, अब चलेगी गाड़ी। गाइस ये है जुल्मी गांव और यहाँ पे आयुषी जैन जैसे लोग रहते होंगे जो बहुत ही जुल्मी रहते हैं। ये क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है उत्तराखंड हिल्स टाइगर रिजर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे टाइगर आते हैं क्या? तो मैंने पूरा 250 किलोमीटर गाड़ी चला ली है वो भी अकेले, और एक बार ही रुके थे हम सिर्फ 2 मिनट के लिए रास्ते में। आप सबको मेरे ऊपर प्राउड फील करना चाहिए कि मुझे गाड़ी चलाना आती है, मैंने इतना लंबा ड्राइव करा अकेले। और कुछ लोग हैं जो गाड़ी चलाना सीखते भी नहीं है, सीखूंगी भी नहीं थी तो मैं ओ हो बाप रे बाप कैसी खाई है, सॉरी खाई क्या टनल। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ आपको कि आज मेरा फास्ट है, आज मेरा मंगलवार का उपवास है और ये सब खा रहे हैं चिप्स कुरकुरे बिस्किट्स और मैं तो कुछ खा ही नहीं पाऊंगी आज। क्या एकदम पुराने जमाने का टनल है, क्यों है ना, मतलब ये 100 साल पुराना है क्यों तो लग रहा है मेरे को, देखो उसके पत्थर देखो। अब हम रुक कर चाय पियेंगे और मुझे तो बहुत ही शर्म आ रही है, वो पीछे से बहुत सारी औरतें मुझे देख रही है क्योंकि। तो ये चाय हम पियेंगे, चाय पियोगे ना तुम? चाय पियेंगे, बड़ा चाय पीने से काले होते हैं। पर तो हम राजस्थान में आ गए हैं और राजस्थान की चाय तो बहुत ही अच्छी है। मैं चलाऊंगी अभी जब मैं तुमको बोलूंगी ना तब तुम ही चलाना, फिर तो तुमको ही चलानी है। तो वापस से अब मैं कार चलाऊंगी क्योंकि यार मेरे को ना बैठना पसंद नहीं कार में, जब तक मैं थक नहीं जाती। तो इसको खाना है सेव परमल और ये प्याज काट रही है यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुकवा के। बेटा ये ऐसे करेंगे ना, ऐसे चलेंगे ना तो पहुंच गए अपन जल्दी, भूख में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तो मेरा उपास है, तुम भी उपास रखो। काहे की रखिए, मेरे को नहीं चाहिए अच्छा पति, तुमने अच्छा पति के लिए रखा है, मेरे को यूं ही मिल जाएगा अच्छा पति। मैंने अच्छा पति के लिए नहीं रखा है भैया, मेरे को मेरे घर वालों ने बोला है रखने के लिए इसलिए रखा है। घर वाले तो ये भी बोल रहे शादी कर लो, तो शादी क्यों नहीं कर रही? कोई लड़का तो मिले, शादी तो कर लूंगी मैं। गाइस गाड़ी रिजर्व में लग गई है, अब आगे पेट्रोल पंप आएगा तो हम लोग डीजल डलवाएंगे। ट्रक पर क्या लिखा है? जियो और जीने दो, आज देखो बोल रहा है वो। तो अब हम डलवाएंगे डीजल, लो भैया आ जाओ डाल दो डीजल। भैया डीजल कर दो, फुल फुल कर दो डीजल, बाहर गिरना चाहिए। अभी अपने को लग गया है, अब से अपन इंदौर से निकले हैं तब से लगा है 4000 का डीजल लग गया। अपन आ गए हैं 300 किलोमीटर आ गए, अपन 350 आ गए ना। तो गाइज मैंने अकेले ना 350 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, मेरे को खुद के ऊपर बहुत ही प्राउड हो रहा है और तुमको सबको होना चाहिए प्राउड। 4950 रुपए का डीजल हमने डलवा लिया है और 50 लीटर डला है। कितने पैसे हुआ भैया? हमने लोकेशन डाली थी दिल्ली की, मनाली की लोकेशन हमने नहीं डाली है। लोग सोच रहे हैं कि मनाली इतना पास में, भैया इतने पास में नहीं मनाली, हमने लोकेशन डाली है दिल्ली की। तो अभी हम रुक गए हैं, इतनी गाड़ी मैंने चला ली है भाई साहब, अब आपको गाड़ी चलाना है ठीक है। और अब हम यहाँ पर डिनर करेंगे, लेकिन मेरा तो उपवास है। बैग है ना वो वाले बैग में से प्लेट है, वो बैग मेरे को दे दो तो मैं प्लेटें निकाल देती हूँ। तो आप रेडी हो भाई साहब गाड़ी चलाने के लिए? बिल्कुल रेडी है। अब आपको ले जाना, इतनी गाड़ी है ना, इतनी मैंने चलाई है और इतनी आपको चलाना है। 369 चलानी है। चले कांच कितना गंदा हो रहा है यार अपना, कितना टोल लोगे रे भैया दादा। सब गाड़ी ना पर्सनल इम्पोर्टेंट।
कितना टोल लोगे रे, कंगाल करोगे क्या? तो गाइस हमारी गाड़ी का वाइपर खराब है तो हमको टिश्यू से साफ करना पड़ रहा है गाइस। नेशनल हाईवे पे। तो ये प्रिंस भाई साहब भी कर रहे हैं साफ क्योंकि मेरी हाइट नहीं पहुंचती है। तो जब आप ट्रैवलिंग करो कार से तब ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। कार पहले से ही ठीक करवा लेना जो भी कार में दिक्कत है, और बाकी तो आप लोगों को पता ही है। बाकी मज़ा बहुत आ रहा है, अगर आप दिल्ली मतलब इंदौर से मनाली जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मतलब कि मज़ा है। ये क्या? 267 है दिल्ली। तो ये जो रूट है भैया दिल्ली जाने का ये है, मतलब इस पर आप कार 120 पर ही चला सकते हो, ज्यादा मत चलाना वरना चैनल कट जाएगा भाई। भाई साहब गाड़ी चल रही है 140 पे, है ना? 160 पे गाड़ी चल रही है। तो हम लोगों ने दिल्ली क्रॉस कर दिया है, मतलब दिल्ली के बाहर बाहर से हम लोग अभी जा रहे हैं मनाली की तरफ। और अभी हमने लोकेशन डाली है पानीपत की, और पानीपत यहाँ से है 344 किलोमीटर। और हमारे प्रिंस भाई साहब जो है वो गाड़ी चला रहे हैं। कोहरा हो गया यार बहुत सारा दिन, और बहुत ही कोहरा हो रहा है आप देख सकते हैं। अब क्या करें, कोहरा हो रहा है तो जितना आप चला सको चला लो, कुछ भी नहीं दिख रहा है यार। बाप रे बाप कुछ भी नहीं दिख रहा है इधर तो, बहुत ज्यादा कोहरा है गाइस। यहाँ पर रेड कलर है क्योंकि यहाँ पर कोहरा है, यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं लगा है बस कोहरा है, इसलिए मैप में भी रेड बता रहा है। प्लीज 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 बहुत धीरे चलाना गाड़ी, उधर देखो तुम, सामने वीडियो में मत देखो। रात के बज रहे हैं 1:41। प्लीज इसके पीछे पीछे चलाना, ओवरटेक मत करना, कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई। इसके पीछे चलाना ना, इसके पीछे चलाना बस, इधर उधर मत निकालना। इधर तो रोक भी नहीं सकते अपन रोड पे, नहीं रोक सकते। अब थोड़ा कम हुआ, थोड़ा सा कम हुआ। ये वो ट्रक वाला कितना चालाक है, वो भी अपने पीछे पीछे चला रहा है। भाई साहब इसको तो देखो, बाप रे बाप। हाँ तो गाइस कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत ही कोहरा हो रहा है, और हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रक है उसका सहारा ले लेके हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि अभी हम थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई ढाबा वाबा नहीं है। देखो पुल पे चल रहे हैं, तो पुल ये बहुत लंबा पुल है, और अभी तो कुछ भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है आसपास, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं दिख रहा है। पहली बार पिंक कलर ने मेरी जान बचाई। क्या हो गया पायल? बहुत डर लग रहा है, पायल को डर लग रहा है। अपन तो यार मेरे को बहुत डर लग रहा है, रास्ते में कुछ दिख नहीं रहा है हमको गाइस, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और एक ही ट्रक चल रहा है। तुम इसके पीछे चलाओ, इसके आगे मत लो, इतना डर। हम लोग बड़ी मुश्किल से कोई रेस्टोरेंट, थोड़ा सा रूट से स्लाइड जाकर, ये जो मेन रूट है इससे स्लाइड जाकर थोड़ा सा अंदर यहाँ पर रेस्टोरेंट है। ये शायद पता नहीं क्या है, ये रेस्टोरेंट है कि क्या है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, पर ठीक है जो भी है हमको तो जगह मिल गई। आगे भी ट्रक खड़ा है हमारा, और पीछे भी ट्रक खड़ा है, तो अब यहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं क्योंकि रिस्की हो जाएगा बहुत ज़्यादा ऐसे में जाना। ओहो कितना भाई साहब कितना कोहरा है, कितना कोहरा, कुछ भी दिख नहीं रहा है। देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं भी नहीं दिख रही होंगी आपको, मैं भी नहीं दिख रही हूँ शायद। तो ये है वो ढाबा जो वहाँ से दिख रहा था, ये अपनी गाड़ी लगी उधर, और ये है ताऊ ढाबा। थैंक यू सो मच भैया, क्या नाम क्या आपका? तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह में से धुआं निकल रहा है।
सिगरेट पी रही है। हम लोगों ने चाय पी ली है, अब हम कार में ही सोएंगे क्योंकि ऐसे रास्ते पर जाना बहुत ही बड़ा रिस्क है, रिस्क नहीं लेना है। लॉक कर दी गाड़ी, लॉक कर दो भैया, गाड़ी चोर आ जाएगा तो। तो अभी हम सो रहे हैं, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग हो गई है, अगला दिन हो गया है और आप देख सकते हैं कि अभी भी 9 बज रही है लेकिन अभी भी बहुत ही ज़्यादा कोहरा है, मतलब कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। लोग पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि लोग कैसे गाड़ी चला रहे हैं लेकिन। और इन सबको देखो, और ये नंबर प्लेट पे देखो कितने सारे मच्छर चिपके हुए हैं। ओ हो, इन सब ने सुसाइड कर लिया। भी दुख रहा है, इधर भी दुख रहा है, ये कर रहे नहीं। तुमको तो, तुम तो बोल रहे थे ना चला लेंगे रात को। तो चला तो लेते हैं पर ये कोहरा आ गया ना बीच में रास्ते में। ये दोनों अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, ये भी इनकी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं और ये भी इसकी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। और मैं बेचारी सिंगल, लेकिन ठंड इतनी नहीं है जितना आपको दिख रहा है, ठंड कम है। ये पता है ट्रक के नीचे जाके क्यों रहती है पता है? सोने के लिए। हाँ सोने के लिए, यही सो जाना चाहिए था अपने को कि मस्त जगह। देखो ये तो कभी वो चढ़ा दे चला देता कार, पापड़ बन जाते। ये एडवेंचर। तो हमारी गाड़ी चालू नहीं हो रही, अब क्या करें? क्या करें, तो स्टार्टिंग नहीं हो रही है। चलाओ, करो स्टार्ट करो। नो रिस्पांस। तो ये पूछने के लिए गए अब हम लोगों ने, टाटा सर्विस सेंटर पे भी कॉल करा, बहुत सारे सेंटर्स पे कॉल करा, पर रिस्पांस नहीं है और हमारी शायद बैटरी बैठ गई है तो अब हमको कुछ करना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग रोड क्रॉस करके इस साइड आए हैं वॉशरूम करने, क्योंकि इधर है पेट्रोल पंप। टाइम क्या हो रहा है? और टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। हाँ। 11:30 बज रहे हैं लेकिन यहाँ पर अभी तक सूरज नहीं उगा है। ये देखो रियरा पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल। तो लोगों को पेट्रोल पंप भी नहीं देखेगा, नुकसान हो गया रे इनका। चलो भैया इधर वॉशरूम जाना पड़ेगा हमको। और ये जो एडवेंचर है मेरी लाइफ का, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आ रहा है इस रेट पे हुक्का पीना। पीना हुक्का हरियाणा के लोग पीते हैं हुक्का, मतलब हर ढाबे पे आपको हुक्का मिलेगा। अरे यहाँ के लोग पीते हैं क्यों दादा? यहाँ के लोग नुकसान नहीं करता है, सुबह से नहीं पीते। चलता रहता है यहाँ पे हर ढाबे पे रहता है ना हुक्का, फ्री भी देते हैं ये देख, फ्री रहता है वो तो। और गोवा में तो इसकी 1500-2000 रुपए लेते हैं। हाँ। पीने के गोवा में 3000 रुपए पीने के। यहाँ तो जी हुक्का देख के गाड़ी इधर से घुमा के आएगा, घुमा के लेके आएंगे गाड़ी। अरे भैया कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ये बेड खा खा तो हमारे वहाँ पे हो ना, तो आप मुझे खिला देना, हम तो खाना भी खिलाएंगे। हाँ बस तो फिर खाना में बना ही खाऊंगा ना। तो गाइस ये कुत्ता हमारे साथ रोड क्रॉस करके हमारे साथ आया है। चलो भैया चल 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 चलो। हाँ कुत्ती होगा कुत्ता, चलो ये अपनी रक्षा कर रही है शायद ना, चल जाते हैं अपने साथ। चलो 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 इधर चलो चलो। अच्छा साथ में ही आते ना? हाँ साथ में तो आई है, वो बोलते रहे आपको अपने साथ में। आजा आजा चलो 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 चलो।
वो अभी तक अपने पता देख रही थी रास्ता कि आ गए कि नहीं है। ईमानदार रहते कुत्ते वफादार रहते, इसलिए बॉय कुत्ता पाल लो पर बॉयफ्रेंड ना पालो, बॉयफ्रेंड ना पालो। तो ये हमारी गाड़ी हो रही है सही। क्या दिक्कत क्या आ गई भैया इसमें? बैटरी निकाल रहा हूँ। होती क्यों भैया ऐसे खराब क्यों हो जाती है? कितने बार हो गई? पहली बार ही हुई है, पहली बार हुई है ऐसा। भैया मुझे सिखा दो ना, फिर मैं खुद ही कर लूंगी कभी होगी। अच्छा तो गाइस बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रही है, गाड़ी चालू नहीं हो रही हमारी। हमारी गाड़ी हो गई है चालू और मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। शीशा चालू छोड़ दिया। इंडिकेटर नहीं होता, वो इंडिकेटर होता है। तो वो तो चालू छोड़ना ही पड़ेगा, कोई ठोक पीछे से ठोक देगा कोई। कितने पैसे लोगे भैया? कितने पैसे लोगे? आपका जो दिल करे वो दे दो। हाँ जो आपका दिल खुश हो गए वो आप बता दो। नहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे आप बता दो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। नहीं मैं बताता ही नहीं। अरे यार चलो ठीक है, हम दे देते हैं हमारी मर्जी से, है ना। तो फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमारी गाड़ी चालू हो गई है। ये सुबह सुबह ठुकी है गाड़ी। डिवाइडर के अंदर क्या कर रहा था कार वाला? चढ़ाई है उसको अभी साइड करके। तो वापस हमको डीजल डलवाना पड़ेगा। डालिए ये फुल कर देना भैया। डीजल डाला 3600। अब ये चलेगी 600 किलोमीटर, बाकी 600 बताती है जितना चलती नहीं है। अब ये चलेगी कम से कम 400, इसके बाद अपने को कहीं वापस डलवाना पड़ेगा डीजल। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं पानीपत। पानीपत है यहाँ से 12 किलोमीटर और यहाँ थोड़ी थोड़ी धूप देखने के लिए हमको मिल रही है, लेकिन कोहरा तो अभी भी है। मनाली डाल दिया, 419 किलोमीटर है। ठीक है रात को 10 बजे पहुंचने की बात कर रहा है मैप। आज कुछ त्योहार है इसलिए ये लंगर बट रहा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो गाइस हमको मतलब जो पंजाबी लोग रहते हैं वो उन्होंने ये दिया है हमारी गाड़ी रोक ली गई पुलिस वाला द्वारा। कहाँ जाना है? चंडीगढ़ मनाली। अल्कोहल वगैरह तो नहीं है? नहीं अल्कोहल तो नहीं है गाड़ी। नहीं नहीं हम तो सीधे बच्चे हैं। क्रिएटर्स वो जो गाड़ी चला रही है उसके यूट्यूबर्स पे 10 मिलियन है। हाँ आगे पायल पांचाल तो गाइस यहाँ पर पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन मुझे थैंक गॉड मुझे इतनी तो इंग्लिश आती है कि मैं इतना पढ़ लेती हूँ। हम लोगों ने अभी चंडीगढ़ क्रॉस कर दिया है और अब शायद आ जाएगा मनाली। और अभी बचा है मनाली 291 किलोमीटर मनाली बचा हुआ है और 11:30 बज जाएगी रात को। तो गाइज ये प्रिंस सनरूफ से बाहर निकला हुआ है और देखो सब सारे लोग प्रिंस को देख रहे हैं।
तो लंगर के लिए जाम लग रहा है, लंगर लग रहा है, इसलिए जाम लग रहा है। देखो भैया सब के सब प्रिंस को देख रहे हैं, लंगर का सब देख रहे भैया, सबकी नजर प्रिंस पे, सबकी नजर। वापस हमको लंगर में से खाना मिल गया क्योंकि आज कुछ स्पेशल डे है और हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि हमको आज खाना मिल गया और बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट से खाने से अच्छा है कि हमको लंगर का खाना मिल गया, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। चंडीगढ़ में जो लड़के हैं, लड़के से लेकर आदमी बच्चे सब पगड़ी पहनते हैं, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ क्या पता मेरी शादी यहाँ पर हो जाए। ये मेरे महंगे महंगे सपने, मेरा जो हस्बैंड है वो भी कब पगड़ी पहनेगा। और अभी भी 250 किलोमीटर बचा हुआ है और मैं ड्राइव कर रही हूँ और ये भाई साहब रेस्ट कर रहे हैं और अब थोड़ी देर बाद मैं इनको दे दूंगी, फिर ये भाई साहब चलाएंगे गाड़ी। तो अब चलाएंगे प्रिंस भाई साहब गाड़ी और अभी बचा है 231 किलोमीटर। और हम वापस डीजल डलवा रहे हैं, फुल करवा लेना। 2650 रुपए का डीजल, क्योंकि क्या पता आगे डीजल पंप पेट्रोल पंप मिले या नहीं, इसलिए हमने अभी भी डलवा लिया है क्योंकि रास्ता ये ज़्यादा खतरनाक है, हमने सुना है खतरनाक है, पता नहीं कैसा है, पर देखते हैं अभी क्या है हाल आगे का। यहाँ पर चढ़ाई चालू हो गई है और ये रास्ता है, 4 लाइन ही है और आगे जाके आएगा मंडी, वहाँ जाके वन वे हो जाएगा रास्ता। बड़ा टनल है, क्यों खत्म नहीं हो रहा है? पहाड़ के अंदर से निकल रहे हैं अपन अभी। पहाड़ के अंदर से निकल रहे हैं, पहाड़ है। और यहाँ पे भी कितना हो रहा है, क्यों? मतलब इसके ऊपर पहाड़ है ना, क्या व्यू आएगा भैया। आयुषी देखना, देखा मैंने तो मजा आ गया, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। गाइस मनाली बचा है 90 किलोमीटर और ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है और जाम लगा है यहाँ पर, रास्ता देखो कितना खतरनाक है। ऐसा रास्ता ये ऊपर से आया है, नीचे जा रहा है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मनाली भी बचा हुआ है 39 किलोमीटर और समय हो रहा है 10:54 और हमको लगी है भूख, लेकिन हम लोग नहीं रुकेंगे क्योंकि फिर बहुत ही लेट हो जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर फॉग नहीं है, यहाँ पर फॉग नहीं है तो गाड़ी चलाना बहुत ही। और वो जो गाना है ना वाला, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, तो वो तारे देखो इधर, पूरे सारे तारे, ये देखो तारे, ये सारे तारे ही हैं। गाइस आयुषी को उल्टी हो गई है क्योंकि उसने मेरी फेवरेट चिप्स खा ली थी, इसलिए उल्टी हुई है उसको, मैंने बोला ही था कि मत खाओ। और ये टोल टैक्स बेरियल 50 रुपए ले रहे, टोल टैक्स है 50 रुपए, ऑनलाइन हो जाएगा भैया तो। और यहाँ पर हमको देने पड़ेंगे 200 रुपए, यहाँ पे हमने दिए हैं 200 रुपए और ये है छोटा सा टोल टैक्स। 17 किलोमीटर लेफ्ट
तो गाइस बर्फ दिखना यहाँ से चालू हो गई है। तो फाइनली गाइस हम मनाली पहुंच गए हैं और आपको मैं व्यू दिखाती हूँ कितना प्यारा है। ओहो हो क्या नजारा है भाई साहब, दिन में तो क्या प्यारा लगेगा ये देखो बर्फ और ये नीचे पानी और ये सारी होटल्स हैं। अभी हम और ऊपर जा रहे हैं, ऊपर होटल लेंगे हम। हम लोगों को होटल मिल गया है, एक ही रूम मिला है जिसमें दो बेड लगे हुए हैं, तो हम लोग एक ही रूम में चारों रुकने वाले हैं। और इसकी तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ही ज़्यादा, इसको उल्टी हो रही है, 6 बार उल्टी हो गई इसको रास्ते में, और ये तो हर कहीं भी जाने से बीमारी होती है। खाना पैक करा लिया है, अब हम खाना खाएंगे। ये तो भैया इसकी हालत ख़राब हो गई है, सो गई है, और अब हम खाना खाएंगे। तो गाइस इंदौर से जो मनाली का सफ़र था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और बहुत ही मेहनत वाला था और बहुत ही मज़ा आया। अगर आप भी आना चाहते हो मनाली कार से तो आ सकते हो, और आप सबको मुझ पर प्राउड फील करना चाहिए यार, मैं लड़की होकर इतना ड्राइव कर लेती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप भी सीखो, मस्त ड्राइव वाइव करो। और बहुत ही प्यारा रास्ता था, और मनाली का थोड़ा सा डरावना था वहाँ पर, तो प्रिंस ने गाड़ी चलाई और मैं भी चला सकती थी, लेकिन मैं बहुत ही धीरे चलाती हूँ, मतलब मैं सिर्फ 20 की स्पीड पे चलाती, लेकिन बहुत ही मज़ा आया। अगर आप आना चाहते हो तो आ जाओ आराम से, बिंदास बेफिक्र होकर। और अब मिलते हैं अगले व्लॉग में जो कि पूरा मनाली का होगा, और अब मैं सो रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।